देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी ये समस्या है। समस्या सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो बीजेपी है। क्यों? उसको सत्ता से बेदखल करेंगे क्यों? तो सारी चीजें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पे सब पे हम क्या है पहले तो देखो, जहां आप समस्या पे जाएंगे, इस देश का देश की समस्या सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जो कि पिछली सरकारों ने इतना भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये समस्याएं पिछली सरकारों की देन है। अच्छा, बेरोजगारी आज आज पिछले 10 वर्षों में कितनी दूर हुई? 10 वर्षों में उसको कम करने का प्रयास और तमाम एन प्रकार के जो कल्याणकारी योजनाएं चलाकर नहीं देते, ये पीछे डंडों का धरना देते हैं। यहाँ इतना जनता के धर दिया है कि चूतड़ लाल हो गई है उनकी। इन्होंने वो 2000 जनता जनार्दन क्या कुछ कहती है हम लगातार दिखाते हैं, लेकिन आज सवाल एक है कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या, ये जनता से बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, एक कांग्रेस के तो एक भाजपा के। सर, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी ये समस्या है। समस्या सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो बीजेपी है। क्यों? उसको सत्ता से बेदखल करेंगे क्यों? तो सारी चीजें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पे सब पे हम कामयाबी पा सकेंगे, इनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। सरकार कह रही है भाजपा मुक्त देश चाहिए। सरकार तो कह रही है इन सभी टॉपिक पे हमने काम किया है 9.5 साल से। आप किसी एक चीज पे कह दीजिए, शिक्षा पे कह दीजिए, रोजगार पे कह दीजिए, स्वास्थ्य पे कह दीजिए, सुरक्षा पे कह दीजिए, महंगाई पे कह दीजिए, किसी भी चीज पे अगर आप इन नरेंद्र मोदी या प्रदेश सरकार किसी भी एक चीज पर अगर खड़ी उतरी हो तो हमें बता दीजिए, या आपके पास कोई आंकड़े हो तो वो बता। हम आपके पास आते हैं, बताइए सबसे बड़ी समस्या क्या है पहले तो। देखो, जहां आप समस्या पे जाएंगे, इस देश का देश की समस्या सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जो कि पिछली सरकारों ने इतना भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये समस्याएं पिछली सरकारों की देन है। अच्छा, बेरोजगारी आज आज पिछले 10 वर्षों में कितनी दूर हुई? 10 वर्षों में उसको कम करने का प्रयास और तमाम एन प्रकार के जो कल्याणकारी योजनाएं चला करके, मुद्रा योजना, बहुत सारी। चुनाव के समय चुनाव का एक कैंपेन चला था और एक पोस्टर जारी हुआ था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी होती तो यार सरकार 3 राज्यों में कैसे बनती? जनता जब महंगाई पे 300 रुपए का सिलेंडर 1100 का है। अरे आप 2011 उठा दे, 950 का सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, और जब किसी चीज की जब घटना चाहिए था। हाँ, जनसंख्या जब बढ़ेगी, और आज पे हम सवा 9 पिछली सरकारों में जनसंख्या घट रही थी, उनके घट रही थी, आज जनसंख्या 40। आप ये बताइए, गैस लेने जाते थे क्या लंबी लंबी लिए, दो दो तीन तीन लाइन थे, सिर्फ महंगाई बढ़ी या नहीं? महंगाई बढ़ी या नहीं? आप सार चीज की व्यवस्था लेंगे, सुविधा लेंगे, तो महंगाई का मुद्दा ही नहीं है। मेरा सवाल ये है, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी कुछ नहीं है समस्या, सबसे पहले भ्रष्टाचार की समस्या है, वो हट जाए। और कुछ लोग हैं जो झूठा रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, कहां रोजगार की कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कर रहे हैं, सब अपने अपने। भाई, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, और क्या जॉब कर रहा हूँ? अब पर्सनल जॉब है, उसको हम क्या बता दें? पर्सनल मतलब कितनी सैलरी मिल रही है, क्या जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, ठेला लगाते हैं। सरकारी का फॉर्म भरा, चाय का ठेला लगाते हैं। हाई स्कूल पास है भाई, नौकरी की हमें चाहिए नहीं नौकरी। हमारा हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सबसे पहली चीज हमारा देश सुरक्षित रहे। सुनिए, हमारा देश जो अपायस था वो खड़ा हो गया है, नौकरी चल रहा नहीं जाता था। अच्छा, अपायस का ठेला लगा कर बढ़िया 1500 कमा लेंगे, नौकरी घर पर नौकर बनने के लिए मोदी जी ने कहा नौकर ना बनो। नौकरी हिंदुस्तान में कितनी है? हिंदुस्तान में नौकरी सिर्फ 52 लाख नौकरी है सरकारी, वो भी प्राइवेट हो गई। नहीं, वो प्राइवेट तो होने चाहिए। अरे जो सरकारी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार मचा पड़ा है, और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, उसको तो दे करके 80,000 गांव का मास्टर पढ़ाना नहीं चाहता, 80,000 तनख्वाह दे रहा है, उसको रखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। सर, यूपी में अभी तक कितनी भर्तियां सफल हो पाई, क्योंकि लखनऊ में लोग धरना देते हैं। अरे वो धरना तो हर भैया, जब समस्या जब इतनी बड़ी लगी हुई है और उस निदान इतना बड़ा हो रहा है, तो उसको निदान पहुंचने के लिए कुछ समय लगेगा। आपको अयोध्या बनारस जाना है तो आप एकदम से नहीं पहुँच जाओगे, कितनी भर्तियां सफल हो गई? धरना नहीं देते, ये पीछे डंडों का धरना देते हैं। यहाँ इतना जनता के धर दिया है कि चूतड़ लाल हो गई है उनकी। इन्होंने
वो 2000 एक मिनट, इन्होंने लीक किया पेपर, इन्होंने आज तक कोई नौकरियां नहीं दी, और जो नौकरियां मान रहे हैं पिछवाड़े पे ऐसे डंडे मारे कि चूतड़े दोनों लाल हुई पड़ी हैं, जाकर अभी देख लीजिए तो कई इलाज करा रहे हैं। वो जाते हैं तमाम जगह पर, आपके सीएम डिप्टी सीएम सबके पास जाते हैं, सच में लाठी बरस रहे हैं। लाठी ऐसा नहीं, लाठी किसी के ऊपर नहीं बरस रही, देखिए देश के साथ लाठी बरस रहे हैं। पढ़ाओगे नहीं तो मारे नहीं जाओगे, भर्ती नहीं हो पाए, भर्ती नहीं हो पाए। अरे भर्ती चक्कर में मत पड़िए, जो भी शिक्षक है पढ़ाओ, भर्ती होती रहेगी। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या कोई समस्या नहीं है, राहुल गांधी सबसे बड़ी, राहुल गांधी कांग्रेस, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी समस्या है। 7 साल से कांग्रेस की देश की समस्या है, देश के बंटवारे के जिम्मेदार कांग्रेस है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, पूरा परिवार और प्रियंका वाड्रा है। देखिए लोगों का कहना है कि देश की सबसे बड़ी समस्या, राजनीतिक लोग हैं तमाम लोग हमारे साथ होंगे, सर क्या लगता है देश की सबसे बड़ी समस्या आज क्या लगती है आपको? बढ़िया है समस्या, एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास। कोई समस्या नहीं, बेरोजगारी महंगाई कोई समस्या लगती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, पहले थी बेरोजगारी, अब बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे आप? मैं तो जो सरकारी जॉब में हूँ, इनकम टैक्स में। तो जो प्राइवेट सेक्टर में लिया जा रहा है, सभी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? उस पर बढ़िया है, बढ़िया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर देश की सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ को देख रहे हैं? बेरोजगारी। मौजूदा सरकार उस पर कितनी कारगर है? मौजूदा सरकार तो केवल बेरोजगार बनाने का काम कर रही है, ये कारगर का अब कहाँ मूल्यांकन होता है। ये मौजूदा सरकार ने तो कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 200 भी नौकरी नहीं दे पाई सरकार। ये चूंकि सरकार जो है भविष्य के निर्माण में काम नहीं करती, ये सरकार जो है अपने गैर जिम्मेदाराना बात और इनकी नापाक पॉलिसी का ही केवल ये बात करती है, जिससे देश कमजोर हो, हमारे नौजवान बेरोजगार हो, जैसे उद्योग विहीन देश बन जाए, ये तो उस पर काम करती है, ये उन उद्योग के क्षेत्र में काम नहीं करती, ये सद्भाव के क्षेत्र में काम नहीं करती, ये देश को मजबूत करने के क्षेत्र में काम नहीं करती। इसके पास केवल हिंदू मुसलमान ही है, और वही इसके जन्म कुंडली में है, और वही अंत तक रहेगा, इसको और कोई चीज़ से लेना देना नहीं है, हम समझते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब चूंकि तमाम विद्वानों से आप लोग राय ले रहे हैं जो पॉलिटिकल पंडित हैं, लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बेलगाम हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव मैं जीत गया हूँ। आपके चैनल पर मैं ईमानदारी से बता दूं कि हम हार करके जनादेश हिंदुस्तान के पांचों देश प्रदेश की जनता ने मुझे 4,90,00,000 वोट दिया है, इनको 4,81,00,000 वोट मिले हैं, हम 2 सरकार के को खोए हैं, 1 सरकार प्राप्त है। गठबंधन तो साथ नहीं है आप लोगों का? हम कहते हैं कि गठबंधन की ये लड़ाई नहीं थी, ये तो लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की थी, गठबंधन का तो उसमें कोई सवाल नहीं था, गठबंधन तो 2024 का हमने किया है, गठबंधन 2023 में कहां से आ गया? और ये भाजपा के, भाजपा द्वारा समर्थित मीडिया के, भाजपा द्वारा समर्थित चैनलों के, भाजपा द्वारा समर्थित प्रिंट मीडिया का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह नापाक एजेंडे पर काम करती रहे और देश को गुमराह करती रहे कि ये तो एयरलाइंस का मामला है, कोई एयरलाइंस में मतभेद नहीं है। सर देश की सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार है। मौजूदा सरकार कह रही है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर उन्होंने काम किया, कितना काम दिखा? काम तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री कहते थे मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा, इस पे एक कदम भी नहीं देश के प्रधानमंत्री जी चले। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है और जनता बेबसी लाचारी का शिकार हो रही है, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, समझा आप, किसान परेशान, सारे लोग तो परेशान हैं। यूपी में रहते हैं सर, कितनी भर्तियां देख पाए हैं अभी तक? मौजूदा जो सरकारें बनी है दोबारा, योगी सरकार दोबारा रिपोर्ट, कितनी भर्तियां सफल देख पाए? कोई सफल नहीं हुई, हर बार पर्चा आउट हो जाता है, उसके बाद उसको लटकाते हैं, अभी कोई वैसी भर्ती नहीं हुई। हाँ 200-400 लोगों को ये नियुक्ति पत्र रोज बांट रहे हैं दिखाने के लिए। चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं वो तो बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। देखिए आने वाली अलग की बात है, देखिए आप
आप जनता को भारत की जनता एक तो भोली भाली हो उनको गुमराह कर लिया जाता है और चुनाव पीरियड में उनको लालच वाली योजनाएं दिखाई जाती है जैसे लाडली बहना योजना। आप ये बताइए चुनाव आयोग को लाडली बहना योजना में वहाँ के जो मुख्यमंत्री पैसा डाल रहे हैं चुनाव के समय में डाल रहे हैं तो चुनाव आयोग को सतर्क होना चाहिए था कि ये लालच क्यों दे रहे हो भाई, उसे पहले करते ना, 6 महीना पहले कर दिए होते तो अच्छी बात थी। आप चुनाव पीरियड में उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं तो लालच में आके कुछ लोग किए, लेकिन तब भी कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ी और आप अभी सुने हैं ना कि 4,90,00,000 जो है वोट पाई है और ये 4,81,00,000 शायद पाए हैं जो है, तो ये अंतर है। हाँ सरकार इनकी बनी, इनका एक जो यहाँ वाला छत्तीसगढ़ का गया तो उससे बड़ा प्रदेश वो जो है वहाँ वाला पाए हैं, क्या नाम है, तेलंगाना, तेलंगाना में जीते हैं। तो ये सब चीजें हैं, बढ़ोतरी है कि देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी उस पर काम नहीं कर पाए, उस पर तो एक कदम भी नहीं चले, न प्रदेश सरकार चल रही है न देश की सरकार चल रही है, केवल जनता को गुमराह कर रही है। और कब तक जनता को गुमराह करेगी, जनता इसका जवाब अवश्य देगी क्योंकि जनता जान रही है, जनता ऐसा जवाब देती है कि आदमी ऐसा गिरता कि पता नहीं लगता कब उसके जवाब कब देगी। सर देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या 24 में कब देगी जवाब भाई। अरे सर सवाल मेरा सुन लीजिए, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है, ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी होती तो आप ये बताइए आज की जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज्यादा 2-व्हीलर बिकते हैं, सबसे ज्यादा 4-व्हीलर बिकते हैं, 2-व्हीलर कौन खरीदता है, मध्यम वर्ग खरीदता है, बताइए। असेंबली का यार, लोकसभा की बात हो रही, पूरे देश की बात हो रही, जहाँ हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। सर मैं ये कहना हूँ रोजगार मिल रहे हैं, ये थोड़ी है कि फर्जी कहते हैं, नहीं रोजगार मोदी जी फर्जी कहते हैं, टोटल फर्जी। अगर मोदी जी फर्जी कहते हैं तो मोदी जी दोबारा कैसे आ जाते हैं ये बताओ। ईवीएम ईवीएम तेलंगाना जीतते तो ईवीएम नहीं है ना, जब हम 3 प्रदेश जीतते हैं तो आप ईवीएम कर दें खाने यार। मतलब आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी समस्या ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है देश के अंदर। अगर महंगाई बेरोजगारी होती यहाँ कितनी भीड़ होती भाई, ऐसे कैसे भीड़ यहाँ, भीड़ तो सर हमेशा से थी। नहीं क्यों, तभी तो जीत रही है सर। नहीं हाँ जीत रही है ना, भीड़ होती है तभी ना, भीड़ से ही जीत रही है सर। लेकिन मुद्दों पर काम हो रहा है सर, बेरोजगारी तो नहीं है, नहीं है बेरोजगारी, नहीं कोई बेरोजगारी। कितनी भर्तियाँ सफल हो गई, कहाँ कितनी भर्तियां सफल तरीके से हो गई, आउटसोर्सिंग से हो रहा, आउटसोर्सिंग से नियुक्ति हो रहा, उसमें भी दलाली हो रहा, 6 महीने के पेमेंट ले रहे हैं लोग, 8,000-10,000 के नियुक्तियां हो रही है, आउटसोर्सिंग से हो रहा। मेरे भाई आउटसोर्स तो हो रहा है, आउटसोर्स भी नहीं हो रहा, आप ये मानते हैं ना आउटसोर्स हो रहा है, सारी नौकरी हटा प्राइवेट कर दिया गया, हमें खुद प्रदेश का मालिक। एक बात बताओ, जब कोई काम मेरा 10,000 में हो जाता है, मान लिया मैं प्राइवेट आदमी हूँ, मेरा कोई काम 10,000 में हो जाता है, मैं क्यों रखूँ 20,000 का? क्या करते हैं, क्या करते हैं कौन? मैं प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हूँ। बेटे हैं? बेटे हैं, पढ़ाई किए हैं, एमबीए है, एमबीए है। क्या किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा उन्होंने कभी? नहीं। क्यों नहीं? ही इज गेटिंग अ प्राइवेट जॉब, क्या एंड ही इज गेटिंग ही इज हैप्पी। बीजेपी वाले पागल हो गए हैं, पागल हो गए, 3 राज्यों में जीत के हम पागल हो गए। देखिए क्या देश की सबसे बड़ी समस्या किस चीज को देखते हैं, एक मिनट, जब हम मानने को तैयार नहीं है, जब हम मानने को तैयार नहीं है देश में कोई समस्या नहीं है। नहीं वो तो चलिए, वो तो उसी सत्ता है उसी दल के हैं, आप बताएं उनको, दादा भी नहीं समझाना है, मैं हमसे राय जानना चाह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है ना, कोई समस्या है नहीं बोलेंगे, ईवीएम जो है ईवीएम का वो ओझा से देन है। चलिए छोड़िए, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? मोदी सरकार जाएगी जी, बताएं देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे साथ तो कोई समस्या नहीं, महंगाई बेरोजगारी कुछ है? कुछ नहीं। क्यों? शांति शांति है, तो जो देखते हैं रोजगार पाए कर रहे हैं कमा रहे हैं खा रहे हैं, शांति है तो होगा ठीक है। हाँ ठीक है सर, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं? अच्छा अच्छा जी भैया बताएं, बात यह है कि देश की बड़ी समस्या तो बहुतें हैं, बहुत तो एक जो आपको लगती हो किसको खत्म करना? बात यह है कि देश की समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर देश शिक्षित होगा तो सारी समस्या सब खत्म हो जाएंगी, एक शिक्षा और दूसरा फार्मिंग, अगर किसान सही रहेगा तो
सब सही हो जाएगा, उसका बच्चा पढ़ेगा तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे ही लोग कह रहे हैं जी जी, बेरोजगारी और महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्या है। वो तो हमेशा रही है, वो हड़प्पा काल चाहे रहा हो और चाहे अब हो, ये हमेशा चली आ रही है। इससे हमको जूझना चाहिए। क्या काम करते हैं सर? मैं कंस्ट्रक्शन वर्क में हूँ और मैंने मेरे पास भी लोग काम करते हैं। मैं तो क्या दिहाड़ी देते हैं लेबर वगैरह जो चलता है उससे, मतलब अभी क्या चल रहा है? जो हमारा जो 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 हमारा मिस्त्री है उसको 600 रुपये दोपहर में खाना अपनी तरफ से, मैं उसको खिलाऊंगा तभी उसको मैं 50 रुपया पैदा करूंगा। 25 अगर खाना खिलाता हूं तो 25 वो कमा के देगा। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भैया है। लगता है सरकार जो वादे की थी कि महंगाई बेरोजगारी काम करेंगे, कर पाई कि नहीं? बहुत बढ़िया काम कर रही है। और बाकी ये दुनिया है, अब किसको किसको आप समझाएंगे? हाँ बच्चे हैं बड़े बड़े, हाँ सब पढ़ रहे हैं। क्या सपना है उनका बच्चों का? बच्चों का सपना क्या है? अब तो बनना चाहते होंगे। हाँ अब बनना क्या, पढ़े लिखेंगे, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा अब लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। जीवन यापन के लिए क्या कुछ, जैसे डॉक्टर इंजीनियर या क्या कुछ बनना चाहते हैं? मैं प्रेस नहीं करूँगा, आपको जो बनना हो, मैं पीछे हूँ ना, बैक सपोर्ट मेरा है, आपको जो बनना हो बनिए दादा, है ना? मैं पढ़ाने मेरा फर्ज धर्म है। ठीक है भाई साहब, देखिए यहाँ पे पब्लिक थी, जनता जनार्दन थी, जिसका कहना है कि देश की सबसे बड़ी समस्या कुछ भी नहीं। जहाँ तक हमने तमाम सर्वे पढ़े हैं, तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी है कि महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या, और इन सभी पर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के दावे और जो कथनी और करनी थी उसमें अंतर नज़र आता है। जनता की क्या कुछ राय थी इस विषय पर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद है हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम लखन।